वो लोग आए नहीं अभी? आ जाएंगे, डोंट वरी। आप पार्टी एंजॉय कीजिए। उर्मी कहाँ है? उर्मी जिस तैश में आप ये घर छोड़ के गई थी ना, वैसे ही आपको वापस आना पड़ेगा। ये मैं तो नहीं आने वाला हूं आपको लेने के लिए। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम वापस आएंगे। हम वापस कभी नहीं आएंगे सम्राट जी। आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। सदा खुश रहो उर्मी बहू, सदा खुश रहो। कैसे हैं समधी जी आप? बस नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार। वेलकम 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 पापा। वेलकम मम्मी जी, वेलकम दादी जी, वेलकम बुआ जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करो गुड टू सी यू। हम आते हैं। अच्छा। हाय, नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग जी? रश्मि दिखाई नहीं दे रही। समधन जी नमस्कार। वो रश्मि दरअसल बाहर गाड़ी से सामान निकाल रही है। अच्छा अच्छा। Congratulations. वैसे बच्चा पेट में आते ही निखार और तेज बढ़ गया आपके चेहरे का। पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हैं आप। लेकिन ये क्या बात हुई भाई? मेहनत हम करें, सुंदर आप हो रही हैं। क्यों? खैर अच्छा है, आपकी सुंदरता हमारे ही काम आएगी। शुक्र है जो तुम आ गई। समधन जी, जो हुआ सो तो हुआ ही, लेकिन आप लोग अपने मन से जे मैल निकाल दीजिए, भुला दीजिए इसे। उर्मी से गलती तो हुई थी, आप भी बेटी समझ के माफ कर दीजिए उसे।
सिमरन बेटा, उर्मी की नादानी को भूल जाओ। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज, बहुत हो गया। आप ये बातें करके मुझे फिर से शर्मिंदा ना कीजिए, प्लीज। जो हो गया सो हो गया, बुला दीजिए, मैंने बुला दिया। उर्मी वैसे भी अपने घर ही गई थी, जैसे ये घर वैसे वो घर, क्यों? माँ बाप के साथ रहना था भाई, रहती, शादी करने की क्या जरूरत थी? आप इन बातों को दोबारा जिक्र मत कीजिए। मैडम जी, आप फील गुड कर रही है नहीं कर रही है? देखा आपने, आपके स्वागत के लिए कितनी तैयारियां करवाई हमने। आप सब लोग खड़े कहाँ हैं? आइए आइए, अंदर आइए ना, आइए आइए, चल पापा चलिए, आइए आइए, बाहर उस तरफ आइए जी। बधाई नहीं देंगी आप हमें? हम पाप बनने वाले हैं भाई, ओफो, हमने तो उर्मी को मुबारकबाद ही नहीं दी। उर्मी मुबारक हो। थैंक यू दीदी, कैसी हैं आप? कंचन भाभी बिल्कुल ठीक हैं और यहीं पर रहने वाली हैं। आप आइए मेरे साथ आराम से, आपको अपने दोस्तों से मिलवाना है, शादी में मिल नहीं पाएगा, आराम से। Excuse me. तो ये है मेरे दोस्त, ये है आपकी भाभी, मेरे होने वाले बच्चे की माँ, मेरी धर्मपत्नी। भाभी कॉन्ग्रेट्स, सच में आप दोनों लवली कपल हो। थैंक यू। मैं जानता हूं तुम दोनों क्या सोच रहे हो इस वक्त, कि मुझे इतनी सुंदर बीवी मिली कैसे, है ना? तो ये मेरी किस्मत है बेटा, और अभी ये मुझे एक सुंदर सा बच्चा भी देने वाली है, और मैं चाहता हूं उस बच्चे को उसकी सुंदरता इनकी मिले और रंग और तेवर मेरे मिले। ये कॉम्बिनेशन तो खतरनाक होगा भाई। होना भी चाहिए, सम्राट सिंह राठौड़ का बच्चा है भाई, छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। क्यों? चलिए आप इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, आप आराम से बैठिए, आइए, मैं मिलता हूं आपसे। आप इधर आइए, यहां पे आप आराम से बैठिए, रिलैक्स हो जाइए और पार्टी एंजॉय कीजिए, जो चाहिए यहां मिलेगा आपको। देखिए, अब आप मेरे बच्चे की मां बनने वाली हैं। आपको अपना तुमना ख्याल रखना होगा, प्लीज। और कुछ चाहिए आपको? हाँ या ना? नहीं। बस आराम से बैठिए। अरे ले ले, हमारी गुड़िया रानी, अब यहीं पर लेकर सारा फंक्शन एंजॉय करो, चाची को तंग मत करना, ठीक है? उर्मी जरा देखना, हम आते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है यहाँ राठौड़ भवन में। आज की ये पार्टी मैंने अपने होने वाले बच्चे की खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करने के लिए रखी है, और इससे भी बड़ी खुशी मेरे लिए ये है आज कि यहां जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसा हो रहा है, और इसलिए इस खुशी में मैं ये चाहता हूं कि आज शाम का पहला गाना हमारे होने वाले बच्चे की मां के नाम हो, जो यहां मेरे सामने बैठी हैं और जिनकी मौजूदगी से खुशखबरी डबल हो जाती है। सेरत पोहा, म्यूजिक।
तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वेट। सिर्फ होने वाले बच्चे के माँ बाप के नाचने से कुछ नहीं होगा भाई। जब तक इस खुशी में बच्चे के नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, ताऊ ताईनी नाचेंगे, तब तक ये खुशी डबल नहीं होगी। चेंज द सॉन्ग। आप इधर आइए। चलिए फिसल
बच्चे का ध्यान रखेंगे, हम दूध लेकर आते हैं इसके लिए। ठीक है, जाइए। अब आपको अपना दुगना ख्याल रखना होगा। तुम ठीक हो ना बेटा? चलिए बैठिए आप। मैम से बैठाइए ना। बेटा यहाँ पे पानी पिलाओ भाई। अब ठीक है? ठीक है, ध्यान दो उर्मी। ये लो पानी पी लो, डर निकल जाएगा तुम्हारा। पी लो। ये पानी किसने गिराया यहाँ पर? किसने गिराया पानी यहाँ पर? इधर आ गया। तुमने गिराया पानी? भैया देखा नहीं था, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उर्मी गिर जाती उसे कुछ हो जाता, तुम्हारी माफी से ठीक हो जाती वो।
भैया अब कभी नहीं होगा, इस बार माफ कर दो। माफी नहीं, सजा मिलेगी तुम्हें। ऐसी गलतियों की सजा होती है। सम्राट बेटा, गलती होगी बेचारे से, माफ कर दो इसे। सम्राट बेटा, जाने दो ना। उर्मी ठीक है, बस यही अच्छी बात है। एक मिनट पापा, प्लीज आप इंटरफेयर मत कीजिए, प्लीज। आई नो हाउ टू टैकल दिस। इन्होंने गलत किया है, इसके लिए मैंने बढ़ावा नहीं दे सकता, बस। पूरा देश इस चक्कर में बर्बाद हुआ है। लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां समझ के लोगों को माफ करते रहते, नतीजा ऐसे गलत लोग भर गए हैं, बर्बाद हो गया देश। लेकिन मेरे घर में गलती गलती होती है, उसकी सजा मिलती है, उसकी सजा मिलती है।